हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो अब तक हम लोगों ने रोटेशनल मोशन में ये देखा कि अगर आपको स्पेक्ट्रल लाइंस का इंटेंसिटीज पता करना, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि उनके रिलेटिव पॉपुलेशन क्या है। और हमने रिलेटिव पॉपुलेशन से रिलेटेड लास्ट वीडियो में देखा कि अगर मुझे रिलेटिव पॉपुलेशन निकालना है एनी एनर्जी स्टेट जे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ जीरो स्टेट, सो दिस विल बी इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई जे बाय के इन टू टी, दैट इज एक्सपोनेंशियल रेस टू ई जे बाय के इन टू टी। सो ये हमारा जो फॉर्मूला था, इससे अपने को ये पता चलता है कि अगर मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, अगर लेट अस से जे इक्वल्स टू जीरो में कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एंड जे इक्वल्स टू वन में, जे इक्वल्स टू टू में, जे इक्वल्स टू थ्री में, सो व्हाट इज द रिलेटिव पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ई इक्वल्स जे इक्वल्स टू जीरो के में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा कि अगर मेरे पास हजार मॉलिक्यूल्स हैं तो हजार के हजार मॉलिक्यूल्स का कभी भी एनर्जी सेम नहीं होता। कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका एनर्जी मे बी अलग होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स का अलग होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स का अलग होगा। सो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि उसका टेम्परेचर क्या है। हम लोगों ने वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा। The other factor that affects the relative intensity, when I say relative intensity, तो हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मेरे particles ने light absorb किया तो let us say 500 nanometer पे कितना absorb किया, 600 nanometer पे कितना absorb किया या 700 nanometer wavelength पे कितना absorb किया। So what will be the absorption का strength या intensity of absorption at that particular wavelength? So the intensity of absorption at that particular wavelength depends upon कि कितने molecules को उस wavelength की जरूरत है, या how many molecules are in resonance with that wavelength, तो ही वो absorption करेगा। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि already how many molecules are there in energy level j equals to 0, in energy level j equals to 1, in energy level j equals to 2 or j equals to 3। Now इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला, हमारा फॉर्मूला ये था। द नेक्स्ट फैक्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि स्पेक्ट्रल इंटेंसिटीज का लाइन इंटेंसिटीज कितना होगा, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटीज, वो डिपेंड करता है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट पे। नाउ ये जो वर्ड है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में पढ़ा है दैट समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस वन माइनस प्लस वन प्लस जीरो माइनस वन फॉर पी सबसे, डी के लिए हम प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू लेते हैं। सर ऐसा ही कुछ ये जो क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एक्चुअली आप ऐसा ही कुछ देखोगे हर चीज में। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, जब आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी चीज का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते हैं या जब हम उस चीज का एम यानी जेड एक्सेस में, जो भी मैं बोल रहा हूं मे बी शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सब चीजें क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट क्या होता है, मुझे आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि हमने एक बहुत बार डायग्राम देखा होगा या हम इस डायग्राम से बहुत वाकिफ होंगे। बहुत बार हमारे टीचर्स इस डायग्राम को ड्रॉ कर देते, बोल देते ये रेफरेंस एक्सिस है, यहां पे एक डायरेक्शन है, यहां एक डायरेक्शन है, सो ये कट मार रहा है यहां पे, ये कट मार रहा है यहां पे, और इसके बाद हमारे वहां टीचर्स ऐसे एक डायग्राम ड्रॉ करके हमको दे देते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है? जब ये डायग्राम और इस डायग्राम का मीनिंग आपको समझ में आएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि जो मैं कहना चाहता हूं डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट, इसका मीनिंग क्या है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली ये डायग्राम क्या है, ये तभी समझ में आ सकता है जब आपको थोड़ा बहुत क्वांटम का नॉलेज होगा या थोड़ा बहुत आपने क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एमजेड और एमजेड जो हम नंबर निकालते हैं दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये कहीं ना कहीं क्वांटम से डिराइव्ड है। और मैं अभी जो भी बातें करने वाला हूं मैं बहुत क्रूड वे में करने वाला हूं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्टफ, मैं बहुत ऊपर से उन चीजों को लेके आऊंगा क्योंकि मेरा मेन मकसद है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी स्टेट। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्वांटम केमिस्ट्री में, सो आप प्लीज उस वीडियो को देखना जहां पे मैं डिटेल बातें करने वाला हूं ये जो भी हम डायग्राम्स को पढ़ते हैं इसकी। सर इस डायग्राम को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वहां करते समय भी काम आएगा, जहां पे हम टर्म सिंबल्स निकालते हैं, जहां पे एलएस कपलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स में काम आएगा एट हायर लेवल, स्पेशली इन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सर कंसिडर कीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, आई हैव गॉट अ पार्टिकल, या मैं कहूँ मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जहाँ पे एक पार्टिकल मेरे पास ये है, एक पार्टिकल मेरे पास ये है, और मैं कहूँगा ये पार्टिकल मेरे लिए रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने वाला इस डायरेक्शन में, इट्स गोना रोटेट। मैं काम करता हूँ रोटेशनल मोशन को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। सर हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा होता है
कि अगर मेरा एक मॉलिक्यूल है या कोई भी चीज अगर एक रोटेशनल मोशन करती है एक फिक्स एक्सिस के थ्रू या एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस अगर वो रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें कुछ लीनियर वेलोसिटी होता है, द लीनियर वेलोसिटी विच हैज गॉट अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर या टेंजेंट टू दैट पॉइंट, तो हम उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। आई हैव गॉट समथिंग विच इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है भाई एक सेकंड में उसने कितना एंगल ट्रेवल किया, लीनियर वेलोसिटी का मतलब एक सेकंड में उसने कितना मीटर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया। सो मेरे पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। देन आई हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे होता है। सर एंगुलर एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा वो डिपेंड करता है कि मेरा बॉडी किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास राइट एंड थंब रूल है कि अगर मेरी बॉडी जो है वो कर्ल फिंगर्स के डायरेक्शन में घूम रही है तो मेरा जो थंब रहेगा वो मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताएगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होने वाला है। अगर वो अपोजिट घूमेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है सर, इतना मुझे समझ में आया। सर हम लोगों ने लीनियर मैकेनिक्स में हम लोगों ने यह पढ़ा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो अगर एक लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, लेट अस गे उसका वेलोसिटी है v जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, तो मैं कह सकता हूं उसका जो मोमेंटम होगा जिसको हम p के साथ डिनोट करते हैं, सो मोमेंटम विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। एग्री करते हो? सर सिमिलरली अगर लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव करने वाली चीज का मोमेंटम अगर मास इनटू वेलोसिटी होता है, दैट्स मोमेंटम। सिमिलरली अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका भी कुछ मोमेंटम होना चाहिए, तो उसका मोमेंटम जो होगा दैट मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, सो दैट्स कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। तो एल का मतलब हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। नाउ सर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? सर एंगुलर मोमेंटम जैसे वहां मास इनटू वेलोसिटी होता है, हमारे यहां पे दैट विल बी आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, क्योंकि वहां पे लीनियर वेलोसिटी होता है तो यहां एंगुलर वेलोसिटी होगा, वहां पे मास होता है तो हमारे यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक ऐसे तरीके से समझ सकते हो कि रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक मास का काम करता है, जस्ट सॉर्ट ऑफ अ मास। हम इसको सिमिली कंसिडर करके चल सकते हैं, एनालॉजी ले सकते हैं कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर सेम, जस्ट लाइक मास लीनियर वेलोसिटी लीनियर मैकेनिक्स में होता है वैसे ही रोटेशनल मैकेनिक्स में आप उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हो। सो मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आई इनटू ओमेगा। सर ये एंगुलर मोमेंटम भी है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, व्हेन आई से एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं कहना ये चाहता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, किस डायरेक्शन में होगा? तो सर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा इसको समझाने के लिए मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मेरी कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। माइंड इट, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट्स योर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दैट्स योर एंगुलर मोमेंटम, दैट्स योर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करते हैं। सो अगर मेरी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूम रही है कुछ वेलोसिटी के साथ और उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेट अस से आई, और यहां से यहां का उसका जो डिस्टेंस है लेट अस से आर, तो मेरा एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा इट विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल कि जिस डायरेक्शन में मेरा अंगूठा रहेगा उस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम रहेगा। नाउ सिंस मेरा एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन ही नहीं उसका मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू आर स्क्वायर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स है तो एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और एंगुलर वेलोसिटी का मतलब मैं कह सकता हूं वो कितनी स्पीड में घूम रहा है, और वो कितनी स्पीड में घूम रहा है मतलब उसका एनर्जी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, आई मीन टू से ओमेगा ज्यादा है, अगर मेरा आई फिक्स है, अगर मैं कहता हूं ओमेगा ज्यादा है, ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी, अगर मैं कहता हूं उसका वेलोसिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं मैं यूं कह सकता हूं कि उसका एनर्जी भी ज्यादा है। तो सर अगर मेरा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा रोटेशनल मोशन करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो के साथ, जो एरो आपको डिनोट करेगा वो एरो आपको बताएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बताने के लिए मुझे सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं कोई बॉडी बहुत ज्यादा रोटेशनल एक्सेस कर रही है बहुत एंगुलर वेलोसिटी के साथ तो उसका एंगुलर मोमेंटम का एरो बहुत बड़ा आएगा,
अगर कोई कम वेलोसिटी के साथ कर रही है तो उसका एरो बहुत छोटा आएगा, अगर कोई एवरेज कर रही है तो मैं कहूंगा उसका एरो थोड़ा सा मीडियम। यानी मेरे एरो का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ माय एरो, दिस रे या एरो, दिस विल रिप्रेजेंट कि उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो दी लेंथ ऑफ माय एरो विल रिप्रेजेंट कि एंगुलर मोमेंटम कितना है, और एक तरीके से वो मुझे बताएगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, वो एक तरीके से बताएगा कि उसका एनर्जी कितना है। आई होप किसी ना किसी तरीके से मैं आप सबको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम के लेंथ को और एनर्जी को कनेक्ट कर पाया। जितनी ज्यादा लेंथ उसका मतलब उतना ज्यादा उसमें वो एनर्जी है। नाउ प्रॉब्लम ये है, हम लोगों को हमेशा ये लगता है, या हम लोगों ने आज तक जो पढ़ा है, क्योंकि हमको बोहर्स मॉडल से पढ़ाया जाता है, हमको लगता है मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही डायमेंशन में रोटेट करता है। सर अगर सारी दुनिया एक ही डायमेंशन में रोटेट करती एक्स वाई प्लेन में तो हर चीज फ्लैट होनी चाहिए थी। बट सर हम ये भूल जाते हैं कि मोशन, रोटेशनल मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हो सकता है मेरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा हो, या हो सकता है मेरा मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा हो, 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 ऐसे किसी भी डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है। इन द सेंस रोटेशनल मोशन अगर हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है ये बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो मैं यूं कह सकता हूं मैं रोटेशनल मोशन की बात नहीं करूंगा सर, मैं हर बार रोटेशनल मोशन नहीं करूंगा, मैं रोटेशनल मोशन को कनेक्ट कर देता हूं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी कोई ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये साइड में होगा, द रोटेशन इज इन दिस साइड, तो ऑब्वियसली वो उस डायरेक्शन में होगा। अगर कोई वेलोसिटी ऐसे सर्कल में कोई घूम रहा है कोई पार्टिकल, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अप साइड में होगा बिकॉज वो इस तरीके से घूम रहा है। अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, लेट अस से वो यहां से वहां से यहां जा रहा है, सो इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो एंगुलर मोमेंटम का जो एरो होगा वो ये डायरेक्शन में होगा। सर मतलब अब मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूंगा कि देखो ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे, मैं आपको सिर्फ एरो बताऊंगा, एरो इस साइड में है, तो एंगुलर मोमेंटम का एरो इस साइड में है, इसका मतलब वो उस साइड में, तो मेरा मॉलिक्यूल इस तरीके से घूम रहा है। अगर मैं कहता हूं एंगुलर मोमेंटम का एरो अप साइड में है, सो इफ आई एम सेइंग अप साइड, आई मीन टू से मेरा मॉलिक्यूल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो आई विल रिप्रेजेंट रोटेशन विद द हेल्प ऑफ द एरो या विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि रोटेशनल मोशन कहां होगा। बट एक क्वेश्चन है, क्या मेरा मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है क्या, किसी भी डायरेक्शन में? और अगला क्वेश्चन मेरा ये उठ के आता है कि अगर एंगुलर मोमेंटम है और अगर मेरा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो ऐसे तो सर 360 डिग्री में है, और 360 डिग्री में वो कहीं पर भी किधर भी रोटेट कर सकता है। बट नो, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है और एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शंस भी फिक्स्ड होते हैं, जिसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो सर एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शंस को समझने के लिए हम थोड़ा ऐसा एक डेरिवेशन कर लेते हैं। हमारा डेरिवेशन ये है कि मुझे बताओ अगर मेरा कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे दोगे रोटेशनल मोशन में? सो इट विल बी गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सर मेरा अब मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सर मेरा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा P विल बी इक्वल टू I इंटू ओमेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अच्छा मुझे सर एक और चीज पता है, रोटेशनल मोशन का ओवरऑल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J ऑफ J प्लस 1। आई होप ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में निकाला हुआ है। हम एक काम करते हैं, यहां से ओमेगा स्क्वायर को निकालते हैं। व्हाट विल बी ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इनटू E डिवाइडेड बाय I। एग्री करते हो? सो व्हाट विल बी ओमेगा? ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय आई। मैं इस ओमेगा को यहां सब्सटीट्यूट करता हूं, सो मेरा पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू ई डिवाइडेड बाय आई। मैंने सिर्फ ये ओमेगा की वैल्यू को, इस ओमेगा की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया है। आई होप समझ में आया। अब एक काम करो, आई को अगर मैं ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर लेता हूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस विल बी 2 टाइम्स ई इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई, सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ई इंटू आई, बिकॉज यहां से आई और आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला ये बचेगा। आई होप यहां तक समझ में आया। अब एक काम करते हैं, 2 इंटू ई इंटू आई, एक काम करते हैं यहां से इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ई विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 पाई स्क्वायर इंटू आई जे ऑफ जे प्लस 1। सो मैं 2 और आई को यहां पे लेके जाऊंगा तो 2 इंटू ई इंटू आई विल बी इक्वल टू 2 गया ई गया, तो मेरे पास 2 इंटू ई इंटू आई यहां पे आएगा, तो उधर क्या बचेगा? एच स्क्वायर अपॉन
4 pi square j of j plus 1. Do you agree with this? Now sir, मुझे पता है 2 into e into i, that's this. अब मैं इसको यहाँ पे substitute करता हूँ. अगर मैं इसको यहाँ पे substitute करूँगा, तो मेरे पास p का formula क्या हो जाएगा? P will be equal to whole under root of j plus 1 into h square upon 4 pi square. So this will be equal to under root of j plus 1, h square का क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालोगे तो h, 4 का क्या हो जाएगा 2, pi square का क्या बचेगा pi. So can I say angular momentum का formula ये होता है. तो angular momentum कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि j का वैल्यू क्या है. इफ j का वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, इफ j कम्स आउट टू बी 1, सो मेरा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू विल बी, इफ j का वैल्यू इज 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 विल बी 2, सो दिस विल बी रूट 2 इंटू h अपॉन 2 पाई. इफ j का वैल्यू कम्स आउट टू बी 0, सो दिस होल ओवर थिंग 0 प्लस 1 विल बी 1, 1 इंटू 0 विल बी 0, दिस ऑल टर्म्स कम्स आउट टू बी 0. सर इफ j का वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, 2 plus 1 will be 3, 3 into 2 will be 6. So if j ka value, p ka value will be root 6 into h upon 2 pi. No doubt iska kuch value hoga, no doubt iska bhi kuch value hoga. But I don't care about value. Toh main tumse kya keh sakta hoon ki angular momentum kitna hoga? What will be the angular momentum? कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है कि j का वैल्यू कितना है. What is the value of j? If j का वैल्यू increases, angular momentum का वैल्यू also increases with this stuff. Because its angular momentum will be equal to under root of j plus 1 into h upon 2 pi units. I hope यहां तक समझ में आया. So ये देखने के बाद कि एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया. और हमारा फॉर्मूला कहता है कि एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जे प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई. मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि जे का वैल्यू कितना है. तो जब मैं एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्रेस करने के लिए एरो ड्रॉ करूंगा, दैट एरो विल रिप्रेजेंट एंगुलर मोमेंटम, तो मैं उस एरो को कहीं ना कहीं उतना लेंथ का बना सकता हूं जितना मेरा जे का वैल्यू होगा. क्योंकि अगर जे का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रूट 2 एच अपॉन 2 पाई. अगर j का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 6 h अपॉन 2 पाई. तो मैं एक काम करता हूं, मैं एंगुलर मोमेंटम का एरो जब भी ड्रॉ करूंगा, मैं उसको उतना ही ड्रॉ करूंगा जितना j का वैल्यू है. तो कहीं ना कहीं जब मैं कहता हूं j का वैल्यू इक्वल्स टू 2, तो एंगुलर मोमेंटम का जो लेंथ होगा वो 2 के बराबर होगा. दैट विल बी आइदर 2 सेंटीमीटर और 2 मीटर, व्हाटएवर यू कैन टेक. नो, हम सीजीएस यूनिट में 2 सेंटीमीटर के बराबर ड्रॉ करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मानो मेरा एक मॉलिक्यूल है जिसका j का वैल्यू है 2, यानी उसका कुछ तो एनर्जी होगा. उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका एनर्जी मान लो जैसे मेरा जे का वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, तो उसका एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी का फॉर्मूला एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे ऑफ जे प्लस 1. अब उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सर उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा रूट 6 एच बाई 2 पाई. तो एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका जे का वैल्यू 2 है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं उसका एंगुलर मोमेंटम का लिख लेते हैं. तो उसका एंगुलर मोमेंटम पी विल बी इक्वल टू रूट 6 h अपॉन 2 पाई. और उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, उसका एनर्जी विल बी h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर i j ऑफ j प्लस 1. सिंस मैं j इक्वल टू 2 ले रहा हूं, तो सर इससे मुझे मोमेंटम कितना है पता चल गया, इससे मुझे एनर्जी कितना है पता चल गया. अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है मोमेंटम है, और कहीं ना कहीं मोमेंटम डिपेंड करेगा j के वैल्यू पे, j का वैल्यू विल बी 2. मेरा मॉलिक्यूल अगर रोटेट कर रहा है तो कितने डायरेक्शंस में और कहां और किधर और कैसे रोटेट कर रहा है, आपको यह बताना है. तो सर इसको समझाने के लिए मैं यूं कहूंगा कि मानो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दैट्स अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल. और हम लोग यूजुअली क्या इमेजिन करके चलते हैं, क्योंकि हमको बोहर्स मॉडल में पढ़ाया गया है कि मेरा मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में ही रोटेट करता है. सर ऐसा नहीं है. अब से मैं क्या इमेजिन करके चलता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा मॉलिक्यूल ऐसे खड़ा हुआ है, दिस इज इन इट्स डायरेक्शन. मैं जेड डायरेक्शन, जेड एक्सेस को अपना रेफरेंस मान के चलने वाला हूं. दिस विल बी योर एक्स एक्सेस, दिस विल बी योर वाई एक्सेस, और मैं इस डायरेक्शन इस एक्सेस को मैं अपना जेड एक्सेस एज अ रेफरेंस मान के चलता हूं. व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस, आने वाले डायग्राम्स में आपको समझ में आएगा. मैं काम करता हूं, मानो मेरा मॉलिक्यूल इधर है और मेरा मॉलिक्यूल यहां से इस डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है. तो एक काम करता हूं, वो जहां रोटेट कर रहा है उसको मैं मेरे कड़े के साथ रिप्रेजेंट करता हूं. सो मेरा जो कड़ा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. अब अगर वो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसका कुछ तो एंगुलर मोमेंटम का एरो होगा.
हाँ तो उसका एंगुलर मोमेंटम का एरो कितना होगा भाई, कितना रोटेशन कर रहा है, रोटेशन उसका एनर्जी कितना है, जे का वैल्यू मैंने 2 डाला हुआ है, तो उसका मैं एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू उतना ही रखूंगा जितना जे का वैल्यू है। लेट अस से मैं इतना रखता हूं तो ये इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा एंगुलर मोमेंटम कहां होगा, सिंस वो ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर वो ऐसे रोटेशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में निकल के आएगा। और अगर मैं शॉर्ट में अगर एक्सेस हटा के बताऊं, अगर मेरा मॉलिक्यूल है और अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। एग्री करते हो? अच्छा सर, अब मेरा मॉलिक्यूल जरूरी नहीं है वो इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मान लो मेरा मॉलिक्यूल थोड़ा सा, ध्यान से सुनना, मेरा मॉलिक्यूल थोड़ा टिल्ट हो जाता है, अब वो टिल्ट होकर एंगुलर मोमेंटम कर रहा है या रोटेशन मोशन कहनी, यानी वो इस तरीके से ऐसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सेस में समझने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि अगर आप देखो तो मेरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अब रोटेट कर रहा है, इट्स रोटेटिंग इन दिस। वो अब तक ऐसा था, वो अब तक ऐसा था, अब वो हल्का सा टिल्ट हो गया है और टिल्ट होने के बाद वो कुछ इस डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेशनल मोशन करेगा, डोंट यू फील उसका जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरीके से। पहले किधर था? पहले एक्स एक्सिस पे था, इधर इस तरीके से, बिकॉज वो ऐसे रोटेट कर रहा था। एग्री करते हो? अब वो कैसे रोटेट कर रहा है? अब वो इस तरीके से यहां पे रोटेट कर रहा है, तो मैं उसका एंगुलर मोमेंटम यहां रखूंगा, एंगुलर मोमेंटम का एरो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम का एरो इस डायरेक्शन में आएगा, पर सर क्वेश्चन ये उठता है वो कितना रोटेट करेगा, कितना टिल्ट करेगा। अब तक अगर वो इस डायरेक्शन में ऐसे था, ऐसे घूम रहा था, तो आपने उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे बताया। अब आप कह रहे हो कि वो टिल्ट हो गया, पर कितना टिल्ट होगा? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना टिल्ट होगा? व्हाट विल बी द एंगल बाय विच एंगुलर मोमेंटम टिल्ट हो जाएगा? सर यही डिपेंड करता है और ये क्वांटाइज्ड है। सर यू नो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज ये है कि क्वांटम केमिस्ट्री और न्यूटन केमिस्ट्री में, या मैं कहूं क्वांटम केमिस्ट्री और क्लासिकल केमिस्ट्री, जिसको क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है, केमिस्ट्री नहीं कहूंगा उसको, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि क्लासिकल न्यूटन साहब की जो फिजिक्स है उसमें कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर क्वांटम फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वैल्यूज फिक्स हैं सर, ये बीच का कुछ भी नहीं है। हमारे बोहर के मॉडल में भी तो यही है, आइदर वन शेल आइदर सेकंड शेल, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है। सर क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्वांटम फिजिक्स के रूल्स बड़े रिजिड हैं, आप उनको तोड़ नहीं सकते। वहां पार्टिकल उसी रूल्स को फॉलो करता है और वो रूल भले ही वियर्ड हो पर वो उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। वो रूल्स बड़े वियर्ड लगते हैं पहली नजर में जब आप उनको देखोगे, और ऐसा लगता है कि यार क्वांटम केमिस्ट्री न्यूटन केमिस्ट्री के मुकाबले बड़ा कंफ्यूजिंग है, पर वो रूल्स वही फॉलो करता है जो वहां उनको फॉलो करना है। तो अब अपना क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मेरा रोटेशनल मोशन यहां है और अगर वो टिल्ट होने वाला है और टिल्ट होके ऐसे करने वाला है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम पहले इधर था डायरेक्शन और अब वो टिल्ट होके ऊपर जाने वाला है, एक मिनट एक काम करते हैं। अगर पहले एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यहां था, क्योंकि वो इस तरीके से रोटेट हो रहा था, इट वॉज रोटेटिंग समवॉट लाइक दिस, अगर वो इस तरीके से रोटेट हो रहा था, अब अगर वो टिल्ट होने वाला है तो उसके साथ साथ उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी चेंज होगा। पर सर कितना चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा इन द सेंस किस डायरेक्शन में जाके रुकेगा? वो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, 90 डिग्री पे आएगा, किधर किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? सर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक रूल है, और रूल ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वही होगा जहां पे जेड एक्सिस पे उसका कट लगना चाहिए प्लस वन पे या तो लगना चाहिए प्लस टू पे। सर समझे नहीं? सर मान लो ये इसका एरो है, दिस एरो का लेंथ रिप्रेजेंट करता है व्हेन जे इक्वल्स टू 2, तो एंगुलर मोमेंटम कितना है। अब अगर ये टिल्ट होता है तो ये उतने ही डिस्टेंस पे टिल्ट होगा, यानी मेरा आपका रोटेशन वही मिलेगा जहां पर इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं जेड एक्सिस पे तो जेड एक्सिस के प्लस वन पे उसका कट लगना चाहिए। यानी ये यहां नहीं होगा सर, या यहां क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वन पे नहीं है, ये वहीं जाके रुकेगा यहां से जहां उसका कट किधर आएगा, वन पे आएगा। सर लेट मी टेल यू, इससे उसका लेंथ चेंज नहीं होगा सर, length will remain same, the only thing that's gonna change will be कि पहले वो ऐसे था, अब वो वहां जाके रुकेगा जहां z axis पे 1 आता होगा और फिर वो वहां जाके रुकेगा जहां z axis पे 2 पे कट मारता होगा। यानी what I mean to say is मुझे z axis के reference में बताओ, मतलब मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ angular momentum ऐसे हो रहा था तो z axis पे किधर था? 0 direction में। फिर मैं कहूंगा वो टिल्ट हो गया का मतलब वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया, वो किधर हो गया? सर वो ना ऐसे डायरेक्शन में हो गया जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम है ना ऐसा निकलेगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर जाने के बाद वो प्लस वन पे कट मारे, फिर वो उतना टिल्ट होगा जहां पे उसके जाने के बाद वो कहां कट मारेगा, प्लस टू पे कट मारेगा। इन द सेंस
मैं एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन की बात करूंगा, पर अब मैंने रेफरेंस एक्सिस कौन सा ले लिया है, जेड एक्सिस। मैं कहूंगा जेड एक्सिस पे प्लस टू पे कट मार रहा है, मैं कहूंगा जेड एक्सिस पे प्लस वन पे कट मार रहा है, अगर मैं कहूंगा जेड एक्सिस पे जीरो पे कट मार रहा है तो उसका रेफरेंस डायरेक्शन किधर हो जाएगा? सर उसका रेफरेंस डायरेक्शन या तो प्लस वन पे होगा जेड एक्सिस के, या तो प्लस टू के बराबर होगा जेड एक्सिस पे। दैट्स हाउ आई वांट टू से। पर सर प्रॉब्लम है, सर प्रॉब्लम ये है, जरूरी नहीं है कि मेरा मॉलिक्यूल ऐसे ही रोटेट करके वहां कट मारेगा। सर हो सकता है उतने ही डायरेक्शन पे मेरा मॉलिक्यूल उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा, मतलब जरूरी नहीं वो ऐसे ही घूमेगा, वो ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है ना। हाँ तो सर बड़ा सिंपल है ना, अगर ऐसे रोटेट होते समय वो प्लस वन पे कट मार रहा है तो उल्टा रोटेट होते समय वो कहाँ कट मारेगा? माइनस वन पे कट मारेगा। आई होप आपको समझ में आया मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो वो ऐसे रोटेट होगा, अगर वो इस तरीके से रोटेट होगा तो उसका कट कहाँ जाएगा? प्लस वन पे। और अगर वो अपोजिट में रोटेट हुआ तो उसका कट कहाँ जाएगा? माइनस वन पे। पर सर मुझे ना ये साइड के हाफ हाफ क्वाड्रेंट्स, ये जो दो क्वाड्रेंट्स हैं, मुझे इनसे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इन दो साइड में ही डायग्राम बना को अपने आप बना के अपने आप को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। सर अब तक तो बात हो गई कि मॉलिक्यूल ऐसे था, इस डायरेक्शन में था, आपके हिसाब से इस डायरेक्शन में था, ऐसे टिल्ट हुआ, इस तरीके से टिल्ट हुआ। सर जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही टिल्ट होगा, वो ऐसे भी तो टिल्ट हो सकता है ना। अब तक वो ऐसे था, इस डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर रहा था, आपने उसको टिल्ट कर दिया, आपने बोला वो इस डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करेगा, फिर आपने कहा उसका एंगुलर मोमेंटम या तो इधर होगा जहां पे प्लस वन पे कट लगना चाहिए, या तो इतना होगा जहां प्लस टू पे कट लगना चाहिए। सर जरूरी थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना, वो तो ऐसे भी तो रोटेट हो सकता है ना इस डायरेक्शन में, यहां मिडल में भी तो रोटेशन कर सकता है ना। उस केस में एंगुलर मोमेंटम कहां चला जाएगा? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे साइड में आना स्टार्ट होगा। मान लेते हैं मेरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से ऐसे गोल घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन का आएगा यहां पर, कितना होगा? फिर से बड़ा सिंपल है, वहीं जाके रुकेगा जहां पे कहां आना चाहिए? माइनस वन पे कट आना चाहिए। मुझे लगता है ये डायग्राम्स बहुत काफी इनफ है आपको समझाने के लिए कि कहां पर क्या होगा। अगर वो इस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो लेट मी पुट अप द डायरेक्शन फॉर रोटेशन। अगर वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, यानी वो यहां से यहां जा रहा है, तो उस समय उसका एंगल अलग होगा। और अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी अब वो किस डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, इस तरह डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये देखो मैंने एरो डाला हुआ, इट्स गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में नीचे, पर कितना? जहां माइनस वन को कट करेगा और जहां माइनस टू को कट करेगा ना। सर अगला क्वेश्चन ये उठता है, जरूरी नहीं है सर ऐसे टिल्ट होने के बाद वो ऐसा ही रोटेट करेगा, वो ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है ना, इन दिस वे इट कैन रोटेट इवन इन दिस वे। अगर वो इस डायरेक्शन में रोटेशन करेगा तो एंगुलर मोमेंटम कहां चला जाएगा? डायरेक्शन ऊपर। तो सर कितना जाएगा? सर सेम, अगर इधर माइनस वन पे जा रहा तो इधर कहां जाएगा? प्लस वन पे। और टिल्ट होने के बाद अगर इधर माइनस टू पे जा रहा है तो इधर कहां जाएगा? प्लस टू पे। सर इन शॉर्ट वो कहां भी रोटेट करे, वो यहां से ऐसे टिल्ट हो जाए, ऐसे रोटेट करे, ऐसे रोटेट करे कि टिल्ट होके ऐसे रोटेट करे कि ऐसे रोटेट करे, डायरेक्शंस वहीं रहेंगे जहां जेड एक्सिस पे प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू आएगा। यानी आई मीन टू से अगर आपका जे का वैल्यू फिक्स है तो रोटेशन करने का डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है, और वो कितना होता है? दैट कम्स आउट टू बी जे का वैल्यू जहां पे आपका जेड एक्सिस पे कट प्लस वन प्लस टू माइनस वन माइनस टू होगा वहां पे, इसको कहा जाता है एमजे। क्या कहा जाता है? एमजे, दैट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और वो मैं एक मिनट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑर्बिटल पढ़ते समय। सर हम लोगों ने, आपको याद है कहीं पढ़ा था पी ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं? पी ऑर्बिटल तीन होते हैं, अगर तीन पी ऑर्बिटल होते तो हम लिखते हैं प्लस वन जीरो माइनस वन। डी ऑर्बिटल कितने, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पांच, एक दो तीन चार पांच, जीरो प्लस टू प्लस वन माइनस वन माइनस टू। सर डी के लिए देखो इतने डायरेक्शन थे, सर जे इक्वल्स टू टू, मुझे बताओ डायरेक्शन कितने हो गए, टोटल डायरेक्शन कितने हो जाएंगे? इट कैन बी प्लस टू, इट कैन बी प्लस वन, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी माइनस वन, इट कैन बी माइनस टू। डोंट यू फील कितने डायरेक्शन में पाया जा सकता है? ऊपर दो डायरेक्शन, नीचे। और सर ये पिक्चर इनकम्प्लीट है अभी भी, अगर आप इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, देखो प्लस वन में पाया जा सकता है, और सर प्लस वन में सिर्फ उधर नहीं, प्लस वन में वो यहां पर भी पाया जा सकता है, और प्लस टू में सिर्फ उस डायरेक्शन में नहीं, प्लस टू में वो इस डायरेक्शन में भी पाया जा सकता है, प्लस वन में सिर्फ इधर नहीं, प्लस वन में वो ऐसे भी पाया जा सकता है, सॉरी माइनस वन, और वो माइनस वन में इस डायरेक्शन में भी पाया जा सकता है। तो इफ यू लुक वेरी केयरफुली, प्लस टू में इट कैन बी इन बोथ साइड। व्हेन आई से इट कैन बी इन बोथ साइड, आई मीन टू से अगर मेरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू किधर आएगा? इस तरीके से, व्हेन इट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो यहां जाएगा। अगर वो ऐसे रोटेट करेगा
तो नीचे की तरफ आएगा, अगर वो टिल्टेड है और अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो वहां जाएगा, और अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहां आएगा। तो एक काम करते हैं यार, सिंप्लीफाई कर देते हैं चीज को बड़े आसानी से। ये एरो भी टू का है, ये एरो भी टू का है, तो या तो एक साइड में वो ऐसे टिल्टेड था और एक साइड में वो ऐसे टिल्टेड था। ये एरो भी प्लस वन का, ये एरो भी प्लस वन का, एक साइड टाइम पे वो ऐसे टिल्टेड था, एक टाइम पे वो ऐसे टिल्टेड है, नीचे भी सेम है। तो इस पूरे डायग्राम को मैं लेके आता हूं और यहां पर ड्रॉ कर देता। सर ग्रीन, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्लस वन पे कट मारा हुआ है और वहां पे मैंने पूरा स्पीयर सा बना दिया। ये कहां कट मारा हुआ है? प्लस टू पे मैंने उसको पूरा स्पीयर सा बना दिया। अगर प्लस थ्री होगा फॉर जे इक्वल्स टू थ्री तो उसका कट कहां होगा? थ्री, और मैंने उसको स्पेरिकल बना दिया है वहां पे। दिस इज कोन लाइक, दिस इज कोन लाइक एंगल, सो दिस विल बी माइनस वन, दिस विल बी माइनस टू, दिस विल बी माइनस थ्री। ये डायग्राम आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। देयर आर मेनी रेफरेंस बुक्स जिसमें डायरेक्ट ये डायग्राम डाल दिया गया है विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आई होप ये क्या है आपको समझ में आया। सर सिमिलरली चीजें बड़ी आसान हो जाती है जब आप जे इक्वल्स टू वन के लिए करोगे। मुझे बताओ अगर जे इक्वल्स टू वन है तो सबसे पहले मुझे बताओ पी का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? दिस विल बी रूट टू एच अपॉन टू पाई, और उसका एनर्जी का फॉर्मूला सेम आ जाएगा। सर मेरा मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया, मेरा मॉलिक्यूल अगर रोटेशनल मोशन करेगा, पहले वो इस डायरेक्शन में कर सकता है, उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा और ये एरो इधर होगा। उसके बाद अगर मेरा मॉलिक्यूल हल्का सा टिल्ट हो जाता है ऐसे, और अब अगर वो ऐसे रोटेट करता है तो उसका एरो किधर आएगा? ऊपर साइड में आएगा। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो कहां आएगा? नीचे आएगा। पर कट किधर लगना चाहिए? जेड एक्सिस पे। उसका कट कहां लगना चाहिए? प्लस वन पे और माइनस वन पे। अब मेरा मॉलिक्यूल ऐसे टिल्ट हो सकता है, अगर मेरा मॉलिक्यूल ऐसे टिल्ट होगा तो या तो ऐसे रोटेट करेगा तो ऊपर, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट किया तो नीचे। पर कहां कट कहां लगना चाहिए? प्लस वन पे नहीं तो माइनस वन पे। और इसका ग्राफ डायग्राम कुछ ऐसा आएगा जिसको मैं और एक्सटेंड करके कह सकता हूं, ऐसे भी हो सकता था और ऐसे भी हो सकता था। आई होप इट्स क्वाइट क्लियर। तो प्लस वन पे है ना, सो प्लस वन ऊपर हो सकता है, यहां एरो 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 हो सकता है, इट कैन बी लाइक दिस। आई होप समझ में आया। सो सर इससे मुझे यह समझ में आता है कि इवन दो मेरा जे का वैल्यू वन फिक्स है और उस समय जो मेरा एनर्जी होगा वो एनर्जी भी फिक्स होगा, दैट विल बी एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर आई जे ऑफ जे प्लस वन। बट इवन दो एनर्जी सेम है पर रोटेशन करने का डायरेक्शन तीन पॉसिबल है। सर अगर आप यहां पे देखो यहां कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, प्लस वन जीरो माइनस वन, सो प्लस वन जीरो माइनस वन, सो दैट्स प्लस वन जीरो माइनस वन। तो सर मुझे एक बात बताओ कितने डायरेक्शंस में वो रोटेट करेगा, उसको कहा जाता है उसका मल्टीप्लीसिटी, मल्टीप्लीसिटी। तो व्हाट इज द मल्टीप्लीसिटी ओवर हियर? दैट्स थ्री। व्हाट इज द मल्टीप्लीसिटी ओवर हियर? दैट्स मल्टीप्लीसिटी, दैट कम्स आउट टू बी फाइव। सर मल्टीप्लीसिटी फाइंड आउट करने का कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? यस, द फॉर्मूला इज टू टाइम्स जे प्लस वन। सर बड़ा आसान है ये फॉर्मूला डिराइव करना, टू टाइम्स जे तो होगा, अगर जे का वैल्यू टू है तो प्लस वन प्लस टू, माइनस वन माइनस टू, तो टू टाइम्स जे का वैल्यू होगा और एक जीरो एक्सेस, जीरो पे, वेन द मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो हाउ मेनी? फाइव। हाउ मेनी? थ्री। सर मतलब ये हुआ, मानो मेरे पास हजार मॉलिक्यूल्स हैं और हजार मॉलिक्यूल्स का सेम एनर्जी है, सबके सब 50 जूल पे हैं, पर सबके सब अगर 50 जूल पे हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके सब मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करेंगे। अगर उनका वैल्यू, उनका जे इक्वल्स टू वन है तो वो तीन डायरेक्शंस में रोटेशन कर सकते हैं, अगर जे इक्वल्स टू टू है तो वो पांच डायरेक्शंस में रोटेशन कर सकते हैं। मतलब ये हो गया, जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे मेरे मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगा वो उतने ज्यादा डायरेक्शन में रोटेशन करने का प्रोबेबिलिटी दिखाएंगे। इन शॉर्ट आप जो एम जे लिखते हो, दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दिस टेल्स यू अबाउट ओरिएंटेशन। ये आपको कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन बोलूं या मैं इसको बोलूं, ये कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है कि भैया अगर आपके मॉलिक्यूल का रोटेशनल मोशन हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो कहां हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। सर इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि रोटेशनल मोशन हम जो अब तक सोचते थे कि सिर्फ टू डायमेंशनल एक्स वाई एक्सिस पे होता है, ऐसा नहीं है। रोटेशनल मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इट्स अ थ्री डायमेंशनल प्रोसेस। पर थ्री डायमेंशन में कहां, किसी भी एंगल पे नहीं होगा, इट्स क्वांटाइज्ड।
तो मैं वर्ड क्वांटाइज इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि फिक्स्ड है, और जहां चीजें फिक्स्ड हो जाती हैं वहां मेरा वर्ड क्या यूज होता है, क्वांटाइज। तो सर इससे मुझे यह समझ में आया कि इंटेंसिटी कितना होगा एब्जॉर्प्शन का, वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि पॉपुलेशन कितना है, दैट्स कॉल्ड एज रिलेटिव पॉपुलेशन। बट सर रिलेटिव पॉपुलेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि रिलेटिव पॉपुलेशन विल बी डायरेक्टली, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला से ई रेस टू माइनस ई जे बाय के टी इंटू, अब हम लोगों ने निकाला कि भाई अगर एनर्जी फिक्स है तो उसका मल्टीप्लिसिटी बहुत सारा हो सकता है, तो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन टू टाइम्स जे प्लस वन, दिस इज एनर्जी फैक्टर एंड दिस इज मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, बिकॉज एक एनर्जी का मॉलिक्यूल अलग अलग मल्टीप्लिसिटी दिखा सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसका जे का वैल्यू क्या है। जैसे जैसे जे का वैल्यू बढ़ेगा उसका डायरेक्शंस बढ़ता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने ये जो ड्रॉ करके यहां समझाने की कोशिश की है आपको ये समझ में आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको पता है हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि पी ऑर्बिटल के लिए एम जे एम 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 एल का वैल्यू होता है, डी ऑर्बिटल के लिए एम एल का वैल्यू होता है, हम वी राइट इट एट एम एल, दैट्स एल ओवर दियर इज कॉल्ड एज अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो हमको कहीं ना कहीं एंगुलर, बट सर वो एंगुलर कौन सा होता है, ऑर्बिटल एंगुलर, यहां पे कौन, ये भी ऑर्बिटल था। अगर आप इसको दो इलेक्ट्रॉन समझ के सोचो कि दो इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं तो एक तरीके से मैं कहूंगा वो एंगुलर मोमेंटम ही कर रहे हैं, उनका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, उनका एंगुलर वेलोसिटी होगा, बस फर्क इतना हो गया हमने इस टू पार्टिकल को वन पार्टिकल सिस्टम कंसिडर करके चलाया कि वो गोल घूम रहा है। आई होप समझ में आया। कहीं ना कहीं इस टॉपिक का यूज आता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करते समय, बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करते समय आपको ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताना है, आपको एलएस कपलिंग के बारे में पढ़ना है, आपको टर्म सिंबल्स के बारे में पढ़ना है, टर्म सिंबल्स, एलएस कपलिंग, ये सब कुछ यहीं से निकल के आता है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।